कमेटी के प्रांगण में मेरे सभी मीडिया साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, आभार है आप सबका। विलंब के लिए आप सबसे, हम सब कांग्रेस पीसीसी की तरफ से हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल हमारी प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मिला, और वर्तमान में जिस तरह से सीए और एनआरसी का विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसको जिस तरह से शासन ने पुलिस के माध्यम से जिस तरह से लोगों को दबाने की कोशिश की, जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को, उन सभी मांगों को लेकर कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल से मिला श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पर। मैं चाहूँगी कि उस प्रतिनिधि मंडल में जो बातें हमने अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखी है, हमारे बीच में आदरणीय सलमान खुर्शीद जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो इस पूरे जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में आप सबसे बात करें। आप सभी मित्रों का स्वागत हम सभी ने किया है। हमारी महासचिव महोदया ने आज आदेश किया कि जो आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक संघर्ष छेड़ा गया है, और हमें इस बात की का हर्ष है, खुशी है कि ये नौजवानों ने अपनी समझ, अपनी सूझबूझ के साथ एक शांति पूर्वक एक संघर्ष छेड़ा है, और हम उस संघर्ष को पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष के साथ साथ जो उत्पीड़न पुलिस प्रशासन का देखने को मिला है, हमारी महासचिव जी की दिशा निर्देश पर वकीलों के संगठन को, हमारी पार्टी के वकीलों के संगठन को ये आदेश हुए हैं कि वो चारों ओर जहाँ जहाँ लोग उत्पीड़ित किए गए हैं, जहाँ जहाँ उन पर गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनको हम पूर्ण रूप से सहयोग दें और समर्थन दें। और इसी संदर्भ में आज एक यहाँ विशेष बैठक हुई, जिसके लिए हम लोग कुछ लोग दिल्ली से भी यहाँ पर आए हैं, उपस्थित रहे हैं। माननीय महासचिव जी, आपको विस्तार से जो हमने दस्तावेज तैयार किए हैं उनका उल्लेख करेंगे। मैं आपको इतना सरल बता दूं कि शायद कहीं भी किसी भी दल के लोगों ने या कहीं भी किसी संस्था के लोगों ने इतनी दूर तक पहुंचकर सारी ही डिटेल्स नहीं कलेक्ट करे होंगे जो हम लोग कर पाए हैं, हमारी पार्टी की ओर से किए गए हैं। जितने मृतक हैं उनके क्या, किस संदर्भ में हम उन तक पहुंचे हैं, उनको हम क्या सहयोग दे सकते हैं, उनके परिजनों को, फिर जहां जहां पर एफआईआर ना करने के लिए दबाव डाला जा रहा है उनके परिवारों को, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, जहां जहां पर एफआईआर फाइल हुए हैं उसमें अनेकों लोगों के नाम भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, गुमनाम लोगों को भी उसमें रखा गया है। उसमें इस लक्ष्य से रखा गया है कि एक खुला उन पर उत्पीड़न का उनको एक मौका मिल जाए, पुलिस को जिसको चाहे घेर लें और जिसको चाहे उसको हिरासत में ले लें, गिरफ्तारी कर दें और उसको फिर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करें। तो हमने इसके लिए जो तैयारी की है उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आज दिन भर मौजूद रहे हैं। सभी वकीलों ने बैठकर एक इस संघर्ष को करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा बनाई है, उस रूपरेखा के माध्यम से हम लोग तत्काल काम करेंगे। इसमें हमको हाईकोर्ट के सामने जाने का भी हमारा निर्णय है कि जहां हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हो चुके हैं वहां पर हम इन दस्तावेजों को लेकर भी हाईकोर्ट के समक्ष इनको रखेंगे और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि हाईकोर्ट इस पर
कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी कर दे ताकि आज जैसा दमन चारों तरफ फैला है हमारे प्रांत में, हमारे उत्तर प्रदेश में, उस पर रोक लगाई जा सके और दूसरे प्रांत, फिर हमारे प्रांत में जो कार्रवाई हुई है उसको देखकर आगे वैसी ही कार्रवाई कर सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और मैं अभी फिर वापस माइक मोना जी को देता हूं। अब मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश से मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे जो आज ये आयोजन है, कार्यक्रम है, जिसलिए हम सब उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के यहाँ पहुंचे, जिसमें श्री पीएल पुनिया जी, आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हम सब लोग हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज डेलीगेशन लेके गए थे। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आप लोगों को संबोधित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद, आपने काफी इंतजार किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जैसे सलमान जी ने कहा, आज सुबह हमारी तरफ से राज्यपाल जी महोदया को एक चिट्ठी भेजी गई है। वो दरअसल एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है उन बातों का जिसका जिक्र आप मीडिया में भी कर रहे हैं, कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जो जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। मैं कुछ मिसाल आपको दूंगी जो मैंने इस चिट्ठी में लिखी हैं। ये तो काफ़ी एक एग्जॉस्टेड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके मैं कुछ एक आध मिसाल दूंगी और मैं अपना भी अनुभव बताऊंगी। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर गई थी, वहाँ दो बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफ़ी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा, देखिए अभी मत जाओ, कुछ आवाजें आ रही हैं वहां से। तो कहा, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आता हूँ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला, वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतजार किया, फिर कोई दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। तो इनके पिताजी भी भागे, वहां पे उनको अपने बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहां कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहां पे वो रहता था वहां दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप FIR दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। अंत में उसको गांव से, जहां से, मोहल्ले से 20 किलोमीटर दूर दफनाया गया। पिताजी ने रोते रोते मुझे कहा कि मैं रोज अपने बच्चे के कब्र को भी देखने नहीं जा पाऊंगा। 21 साल का सुलेमान UPSC के लिए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान बच्चों के ट्यूशन भी लेता था, बुखार था, शायद नोएडा में रहता था, बुखार था, घर आया था कुछ दिनों के लिए। शाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, मस्जिद के बाहर खड़ा था। परिवार का कहना है और जो वहां पे खड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसको वहां से उठाया, कहीं पे ले गए। बाद में कुछ आधे घंटा बाद पता चला कि 5-6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था। इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप FIR दर्ज नहीं करेंगे।
शाम के समय, उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं हैं, शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये दो बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी, 77 साल के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया, एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, आईपीएस में रहे, घर से ये दिखा कि एकदम कोई मतलब ऑनेस्ट, एक ऑनेस्ट इंसान का घर था, ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर कोई आया, पुलिस आई, घर से उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है, पलंग से उठ नहीं सकती, रो रही थी, बहुत घबराहट थी कि क्या होगा, क्योंकि उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है जिसमें 48 लोगों के नाम हैं। उसमें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सदफ जफर का भी नाम है। उनके भी बच्चों से मैं मिली, एक 10 साल का छोटा बच्चा, 16 साल की बच्ची अकेले अपने घर में रह रहे हैं, 4 बिल्लियों के साथ, कोई बड़ा नहीं है घर में, बेटी खुद खाना वाना पकाती है, रिश्तेदार हैं लेकिन साथ नहीं रहते, अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है, माँ से अभी तक मिले नहीं हैं। माँ क्या कर रही थी, कौन सा बड़ा जुर्म था उनका, सड़क पर खड़ी हुई थी, वीडियो ले रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन का वीडियो ले रही थी, उनका अरेस्ट भी उस वीडियो पे है। दारापुरी जी की मैं बात कर रही थी, 48 लोगों के साथ उनका नाम एक लिस्ट में है, उन लोगों पर, माफ करिए मैं ढूंढती हूँ क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है, उन लोगों पर इस तरह से मिल नहीं रहा, इस तरह के केस लगाए गए हैं, सीरियस, एकदम सीरियस तरह से केस, जबकि एक जना घर पे था, एक जने एक वीडियो ले रही थी, तीसरे दीपक कबीर सदर जफर जी के बारे में पूछने गए, थाने में वहीं पे अरेस्ट कर दिया गया, उनका भी नाम इस 48 लोगों की लिस्ट में डाला गया जिन पर बहुत भयानक भयानक केस लादे गए हैं। इसी तरह से वाराणसी में कई बच्चे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भी कई बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उनको उठा के जेल में डाला गया। उनमें राज अभिषेक सिंह, अनंत शुक्ला, नीरज राय, दिवाकर सिंह, विवेक मिश्रा, रोहन कुमार, चंदन सागर, दीपक सिंह, सारे 24-25 साल के बच्चे, दिवाकर सिंह उम्र 30 साल पीएचडी कर रहे थे, धनंजय त्रिपाठी 32 साल पीएचडी कर रहे थे, ये सब बच्चे अपनी एमए परस्यू कर रहे थे, आयुर्वेद, रविंद्र भारती 25 साल के, इनके साथ सोशल एक्टिविस्ट एकता और रवि शेखर जिनका 15 महीने का बच्चा घर पर अभी भी इंतजार कर रहा है। ये तो वो केस हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिनका रिकॉर्ड है, जिनके के बारे में मीडिया में लिखा गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1,100 डिटेन हुए हैं और 1,100 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। अनऑफिशियली ये नंबर डिटेंशन और जेल का नंबर इससे ज़्यादा है। कई ऐसे लोग इस तरह से जेल किए गए हैं जैसे आपने कहा गुमनाम तरह से, अननेम्ड व्यक्ति हैं,
उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस चिट्ठी में ऐसे तमाम मिसाल हैं जहां पुलिस और प्रशासन खुद गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है। पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है। तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। अब मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा। जो प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट की गई हैं, जिसका नोटिस मिला है, उनमें दारापुरी जी भी हैं, वही 77 साल के IPS रिटायर्ड ऑफिसर, प्रोबेबली उनके जीवन की पूरी वो कमाई है जिससे उन्होंने वो घर लिया, उस पर भी नोटिस आया है क्योंकि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला। तो हो सकता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। कृष्ण भगवान का देश है, करुणा के प्रतीक थे भगवान राम, करुणा के प्रतीक थे। शिव जी की बारात में सब नाचते हैं। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज, इन चीजों की जगह नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया, जब महाभारत युद्ध में वो महान योद्धा मैदान पर खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे बदले की बात नहीं की, रंज की बात नहीं की। उन्होंने उनमें करुणा और सत्य की भावना उभारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। हिंदू धर्म का चिन्ह है, उस धर्म को धारण करिए। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं मैं। कुछ पूछना है? एक एक करके पूछिए प्लीज। जो मेरी मांगे थी, जो हमारी मांगे हैं, वो भी सुना पढ़नी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग और DGP द्वारा तुरंत आदेश जारी करके पुलिस और सरकार द्वारा किए जा रही हिंसात्मक, गैर कानूनी और आपराधिक कार्यवाही का तुरंत को तुरंत रोका जाए। मौजूदा हाईकोर्ट जज या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी की शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लगाए गए मुकदमों की सत्यता और वैधता तत्काल निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बिना संपत्तियों को सील करने, संपत्ति जब्त करने और अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी जो निर्दोष हैं, उन पर किसी तरह की एकेडमिक और कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए। ये हमारी चार मांगे हैं। अब पूछिए। देखिए, मैं जवाब, आप पूछिए मत, मैं जवाब दे देती हूँ। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं, हम आम जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका जी, ऊपर मोटर व्हीकल के एक्ट के तहत 61 रुपए का जुर्माना, क्या फिजूल की बातें करते हैं? यहाँ आपके प्रदेश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप प्लीज सोचिए कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। आपके ऊपर लगा दिया। हाँ तो ठीक है, लगा दिया तो लगा दिया, लगाने दीजिए, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये दे देंगे फाइन जो भी है। ये कहने से भ्रम किसी भी दूर हो, कैसे देखेंगे?
देखिए, जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है। इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि कोई एविडेंस दिखाइए, टेलीफोन की बिल दिखाइए 1970 की, कहां से निकालेगा? जिस तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया, उस तरह से ये भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। और इस कानून का आधार एकदम संविधान के खिलाफ है। तो जो अभियान निकालेंगे निकालें। आज तमाम विद्यार्थी सड़क पे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। अजीत जी, एक एक अजीत जी पीछे प्लीज। अजीत जी, अजीत जी, भारतीय के पास नागरिकता का एक वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, ये वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है NRC। NRC का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है NRC को लागू करने का। और वैसे भी कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि NRC उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगी। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ऐलान किया है। तो ये लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता ही नहीं लागू करने देगी। अगर मैम इसके विरोध में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, हिंसा का सपोर्ट आप करती हैं? पत्र लिखा है, जो रिलीज आई है, या तो आप इस कमरे में बैठे नहीं थे और आपने मेरी बातें सुनी नहीं। मैंने प्रेम, करुणा और अहिंसा की बात की, तो मैं हिंसा का समर्थन कैसे कर सकती हूँ? तो मैम, जो हिंसा कर रहे हैं उनको आप सुरक्षा को लेकर, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, आपकी जो सुरक्षा में लगी है CRPF, उसने उन सभी दावों का खंडन किया। देखिए, इसी विषय पर रहिए। इस मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं तो आप जरूर उठाइए। मैं अपनी सुरक्षा का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल फिजूल का मुद्दा है। ये इस मुद्दे का कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को मतलब है आज प्रदेश में क्या हो रहा है। अराजकता फैली है, किसी के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी फैली हुई है, तमाम महिलाएं असुरक्षित हैं। राजीव जी, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और आप इन छोटी छोटी चीजों को बार बार उभार रहे हैं। मैं तो हर बार, आपने देखा होगा, जब जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मैं आवाज उठा रही हूँ। जब जब उन्नाव का केस लीजिए, इससे पहले वाला उन्नाव का केस लीजिए, शाहजहांपुर का केस लीजिए, मैनपुरी का केस लीजिए, आप नाम लीजिए, बताइए कांग्रेस ने क्या नहीं किया। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति बनेगी, अब सब बता दूंगी तो रहेगा क्या? लास्ट पर फ्लाइट ले, फ्लाइट पकड़िए, एक एक करके करिए। देखिए, पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि किसने जलाया, किसने किया है। सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि X या Y या Z ने जलाया, तब पूरी तरह से कार्रवाई करिए। बगैर जांच के कैसे हो सकती है कार्रवाई? बगैर जांच के आप इस तरह के एक्शन कैसे ले सकते हैं जो सरकार ले रही है रोज रोज? धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी एक बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार 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 कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है NRC से और ये तमाम जो CAA का। इसका जवाब ये है कि शिव जी की बारात में सब नाचते हैं। अच्छा, ये जो चिट्ठी है, ये जो चिट्ठी है, इसका प्रेस रिलीज हम कर रहे हैं, ये आपके पास।